मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आज मैं आपको हमारे एक मित्र हैं, उनकी एक नर्सरी है जिसका नाम है ओशो नर्सरी एंड फार्म। मैं उसकी एक छोटी सी यात्रा पे आपको लेके जाऊंगा। मेरे साथ यहाँ पे हैं मुकेश जी। मुकेश जी मेरे को सबसे पहली बार सोनीपत में एक मेडिटेशन प्रोग्राम के दौरान मिले थे, जो विपश्यना मेडिटेशन प्रोग्राम था एस्टॉर्ट बाई सत्यनारायण गोयनका जी। एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई हैव मेट हिम एंड आई हैव टुडे कवर्ड ऑलमोस्ट अबाउट 30 किलोमीटर्स एंड रीच्ड हियर टू मीट हिम स्पेशली टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, राइट। मैं आज आपको एक नर्सरी पे घुमाता हूँ। अभी मुकेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हम घूमते जाएंगे, मैं आपको ट्रीज दिखाऊंगा। देखो ऐसे ऐसे ट्रीज तो शायद नॉर्मली हम लोग देख नहीं पाते, एंड इतनी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। जो जीरो फाइट्स प्लांट्स बता रहे हैं मुकेश जी। अब आप मुकेश जी, अब क्या आप हमें मिलाते रहो, मैं बस फोटोग्राफी करता रहूँगा। सकुलेंट्स की वैरायटी है, ये सकुलेंट्स की वैरायटी बता रहे हैं मुकेश जी। इसको ग्रेप्टोकार्टिलम कहते हैं। ऑर्डिनरी बात हमें कमल कैक्टस, कमल कैक्टस बोलते हैं इसको, ठीक है। डाइकिया इसका नाम है। अच्छा चलते रहो, आप मुझे बताते रहो बस पेड़ के नाम जो जो आपको पता है। ये ऐसे प्लांट्स मैंने तो आज तक किसी नर्सरी में नहीं देखे, जो जिस तरह के प्लांट्स मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो ये कितना अच्छा मतलब पेड़ है यहाँ पे। चुंबकीय पौधा कहते हैं, चुंबकीय पौधा बोलते हैं इसको। हाँ मुकेश जी आप बताते जाओ, थोड़ा तेज बोलना बस आप। कैसुला की वैरायटी है ये, क्लांचो की वैरायटी है, टोमेटो क्लांचो टोमेटो का। ओके ओके। आपको पेड़ दिखाता हूँ कितना अच्छा पेड़ है। इसे क्या बोलते हैं मुकेश जी? ये है अगेब, अगेब पेरी, पेरी अगेब पेरी। ओके अभी देखो ये कितने छोटे छोटे से पेड़ हैं, बट कितना प्यारा पेड़ लग रहा है ये। ये है हेवोर्थिया स्टारडस्ट, हेवोर्थिया स्टारडस्ट है इस पेड़ का नाम। अभी मैं आपको एक बहुत ही प्रीमियर कलेक्शन में ले जा रहा हूँ, कैक्टस का। कैक्टस वाले में चलेंगे मुकेश जी पहले। हम कैक्टस के प्रीमियर कलेक्शन है इनके पास, जो मुकेश जी ने मेरे को बताया है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन इनको सेल भी करते हैं, बट इनका एक पर्सनल कलेक्शन भी है जिसको ये कभी सेल नहीं करते, और उन्होंने कई 30-35 सालों से इसे बना के रखा है। ऐसे कैक्टस मैंने आज तक पूरा घुमा शायद अपनी लाइफ में तो कभी नहीं देखे। ये मुकेश जी मेरे साथ यहाँ पे हैं। मुकेश जी मैं छोटे छोटे से लेकर बड़ा बड़ा, जिससे कि सबको आपको दिखे किस तरह के कैक्टस हैं। देखो ये कैक्टस किस तरह के हैं। इन कैक्टस को मुकेश जी ऑनलाइन भी सेल करते हैं। मुकेश जी ये वीडियो मैं YouTube पे डालूंगा, उसमें कोई आपकी सहमति है ना? हाँ बिल्कुल है। चलो धन्यवाद आपका। ये देखो इतने अच्छे अच्छे कैक्टस मैंने आज तक नहीं देखे। ये देखो, ये देखो, ये कितना अच्छा कैक्टस है, एक से एक कैक्टस। देखो ये कैक्टस देखो कैसा है, एक कैक्टस ये है, एक कैक्टस ये है, एक ये देखो कितना प्यारा और सॉफ्ट है, बट इसमें भी कांटे हैं। उसके बाद ये कितने बड़े बड़े कैक्टस हैं। मुकेश जी कितने पुराने पुराने कैक्टस हैं यहाँ पे? रघुवीर सिंह जी है, मुकेश जी के पिताजी हैं, और ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट, रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर फ्रॉम सर सेल्स टैक्स, और विपश्यना आचार्य है, वो विपश्यना करते हैं मतलब। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इगतपुरी और आपका शरावस्ती। ओके ओके। एक ये कैक्टस आप देखिएगा, आप जाते सब जगह गए हो। कितना अच्छा, ये ग्राफ्टेड कैक्टस है ना ये वाला? नहीं नहीं, अच्छा ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये रूटेड है, ये रूटेड है, और इसका नाम है मेलो कैक्टस। मेलो कैक्टस है इसका नाम, मेलो कैक्टस मेट्रान जानस। देखो यहाँ पे ये कैक्टस की वैरायटी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इतना लंबा जो कैक्टस है सर, इसका क्या नाम है? ये क्रिस्टो कैक्टस स्ट्रोसी है। क्रिस्टो कैक्टस, क्रिस्टो कैक्टस स्ट्रोसी, स्ट्रोसी। इतने कठिन कठिन नाम है इनका, तो नाम भी ये सब लैटिन नाम है। ये देख रहे हैं, ये यूफोर्बिया की वैरायटी है पानी का।
जितना भी आप देख रहे हैं, जैसे हैवोर्सिया की वैरायटी, हैवोर्सिया, हैवोर्सिया की वैरायटी, हैवोर्सिया ट्री, यस प्लांट्स, ये देखिए इसका क्या नाम है, ये हैवोर्सिया है सर, ये भी हैवोर्सिया, यस हैवोर्सिया, और ये वाला पेड़, ये सब हैवोर्सिया की वैरायटी, ये ऐसा लगता है जैसे नकली पेड़ है बट ये असली लगा हुआ है, ये सर ये कितना प्यारा पेड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे नकली है, आइए और दिखाते हैं, ओह माय गॉड, ऐसे पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे नकली हैं बट ये असली ट्रीज हैं सारे, ये हैवोर्सिया है, ये भी हैवोर्सिया है, ये देखिए ये वैरायटी, ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये कुछ ऐसा काम है कि किसी ने पूरे मन लगा के करा है, हाँ बस, और उसका आज एक हम रिजल्ट जो हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत मतलब देसी तरीके से, नॉट वेल डिफाइंड वीडियो बट हम लोगों तक पहुँचा देंगे इसको, थैंक यू सो मच। ये पौधा जो आपने देखा ना, हाँ ये वही है, कैसा लग रहा है जैसे किसी की टेल हो किसी जंगली जानवर की, ये देखो ये वैरायटी इसकी अलग है, ये अलग वैरायटी है इसकी, यही वैरायटी, ये अलग है, ये वैरायटी अलग है, ये हैवोर्सिया की बहुत वैरायटी है, ठीक है बाबूजी, मैं थोड़ा वॉक करता हूँ इधर की तरफ, थैंक यू सो मच। ये सारे के सारे देखो यहाँ पे कैक्टस, इन्होंने कैसे संभाल के रखे हैं, देखो सबको अपनी धूप से बचा के रखा है, ये सारे कैक्टस हैं, मतलब अमेजिंग है लोग किस हद तक अपनी हॉबीज को आगे ले जाते हैं, इट इज़ अमेजिंग, मतलब इतने कैक्टस, सारे पेड़ देखो, ये सबको शेड में रखा हुआ है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, एक एक करके दिखाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये सगवारो ट्री है, इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ अमेरिका एज पर द इंफॉर्मेशन व्हाट आई रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश जी जस्ट नाउ। सेंसिटिव है या हार्डी प्लांट है? सेंसिटिव, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, देखो अगले महीने आएंगे दो तीन पोस्टर वाले इस पे, जैसे टाइगर पे, जैसे टाइगर पे धारियां होती है ना वैसे इस ट्री पे, जेब्रा, यस यू सेड करेक्टली, जेब्रा जैसी इस पे वो है ना इम्प्रिंट, ये देखिए नीचे देखिएगा, ये क्रिप्टेंसस की वैरायटी, ये सेंसिटिव है, हाँ अच्छा बहुत ही अच्छा, इसे क्या बोलते हैं इस ट्री को, ये ये कैरोलुमा की वैरायटी है, ओके कैरोलुमा, और भी आप कह देते कुछ ट्री तो मतलब कितने मोटे इनके पत्ते हैं मुकेश जी, ये वाला ट्री को क्या बोलते हैं, इनके पत्ते देखो कैसे गुदेदार मोटे से हैं, ये एनकंप्रस, एनकंप्रस है इस ट्री का नाम, एनकंप्रस है, ये अमेजिंग है, इतने कठिन नाम है बट फिर भी हॉबी के वजह से सारे पेड़ों के नाम याद है इनको, ये एनकंप्रस है, ग्रेट, ओपन जिया टाइगर जो है, ओपेंजिया टाइगर, टाइगर जो है, जो दूर से दूर से दूर से, हाँ बहुत खतरनाक है ये बहुत खतरनाक बता रहे हैं मुकेश जी, इसको मतलब अगर हाथ लगाएंगे तो हमें थोड़ा हर्ट करेगा, ये ओनली लुक बंदरों का पक्का इलाज है, ओह दिस कैन बी कॉल्ड एज मंकी ट्रीज ऑल्सो, अच्छा बंदर इस पेड़ से दूर रहते हैं, छुएंगे नहीं, देखो ये इन्होंने इतने सारे जो पेड़ मैंने आपको दिखाए वो सारे छत पे लगाए हुए हैं, और मैं इनके नीचे से आपको नर्सरी दिखाता हूँ, ये ऐसी देखो इनकी नर्सरी है, यहाँ पे सब इतने बड़े बड़े प्लांट है एकदम, बहुत बढ़िया, देखो मैं आपको इतने बड़े बड़े कैक्टस दिखाता हूँ, ये सारे कैक्टस जो बता रहे हैं 35-35 साल पुराने कैक्टस हैं, 35 ईयर्स ओल्ड, बीमार हो गया था काट दिया, ये बीमार हो गया था तो काटना पड़ा, ओहो चलो ये भी अमेजिंग है, पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई पेड़ बीमार हुआ था तो उसे काट के बचाया गया, चलो बहुत ही अच्छी बात, ये डाई डाली हुई है क्या, नहीं नहीं ये दाने से क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, इसी गई है, ये यूफोर्बिया स्टेनोकिलाडा, ये तो अलग ही है, यूफोर्बोनिया, यूफोर्बिया स्टेनोकिलाडा, स्टेनोकिलाडा, स्टेनोकिलाडा है, आगे गुटरी है, एक और है टकीला, कहाँ पे है टकीला प्लांट, नीचे है जिससे आपके मैक्सिको में वो बनती है शराब, जो बनती है
वो टकीला से बनती है। वो मेक्सिको में जो शराब बनती है वो टकीला प्लांट से बनती है। हाँ। ग्रेट ग्रेट, वो भी मेरे पास है यहाँ कलेक्शन में। देखो दोस्तों, मैं ये ओशो नर्सरी में आया था ना, जो मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया, उस ओशो नर्सरी में एक मेडिटेशन हॉल भी बनाया हुआ है, बट वो मेडिटेशन हॉल इज़ फॉर विपश्यना।